पेन ही नहीं। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 117 है वो है वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। मैं खुद के ही एग्जांपल से आपको कुछ बोलता हूँ। जैसे कि मुझे एक पहले एक ये था कि भाई मैं पोस्ट लिख सकता हूँ, फोटोज निकाल सकता हूँ, फोटो कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियोज नहीं बना सकता क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे थोड़ा फंबलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मुझे काम तो करना है, मुझे ये सब आगे सब लोगों को समझाना तो है। तो फिर मैंने सर्च किया कि क्या मेरा प्रॉब्लम है, मैं कब फंबल करता हूँ। जब बोलते समय मैं मेरे खुद के थॉट्स में कहीं खो जाता हूँ तब मैं फंबल करता हूँ। लेकिन जब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं उस मेरे टॉपिक पर मैं फोकस हूँ और मैं कहीं और नहीं खो रहा हूँ तो मैं फंबल नहीं करता। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि मैं मेरे टॉक्स पर फोकस हूँ तो मैं फंबल नहीं करता। लेकिन ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें मैं मेरे थॉट्स में ऐसा खो गया हूँ तो मेरे वर्ड्स फंबल होने लगते हैं। तो मैंने मेरा खुद का मैंने ढूंढ लिया। वैसे ही आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो मैंने जैसे कहा हमारी इस टाइटल की वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मुझे कई लोग फोन करते हैं कि भाई हमें कंसर्ट में ये करना है वो करना है हमें। मैं बोला हमें नहीं तुम, मैं तो कर ही रहा हूं, अब तुम्हें करना है। इसलिए हमें नहीं, हम नहीं तुम। और सिर्फ बोलने से काम नहीं होता, बोलने वाले करते नहीं है और करने वाले बोलते नहीं है। तो ये ख्याली पुलाव पकाने छोड़ दो, जो करना चाहता है वो करके ही रहता है, वो सिर्फ कहता नहीं है। तो जहां भी आपको कुछ करना चाहो तो करके रहो। जैसे कि कई सोच है, जैसे मैंने पहले भी एक कहा था एक वीडियो में कि सिर्फ पेन हेमिनी से कनेक्शन फील होना मतलब आप कोई पेन विषय को या कोई हेमिनी विषय को नहीं हो। वैसे कोई लोग फील कनेक्शन फील करते धवल कीर्ति महायोगिनी से, तो उनको लगता है कि अरे मैं ही वो धवल कीर्ति हूँ, मैं ही वो महायोगिनी हूँ, या फिर मैं ही वो डिग्री विषय को हूँ, मैं भी एक मेघ विषय को हूँ। कनेक्शन फील होने से कुछ नहीं, क्योंकि वो आपका भावनात्मक कनेक्शन है। मैंने पहले कहा था कि भावना और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है, जैसे कि भ्रम और सत्य में फर्क होता है। तो हम भी बियॉन्ड साइकोफैक्टर से हमें ये करना ही चाहिए, हमें ये करना चाहिए नहीं, करो अगर करना चाहते हो तो। और जिनको करना है वो बियॉन्ड साइकोफैक्टर से या बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म्ड वन से कॉस्मिक सोल से सोचते ही नहीं है, करते हैं। बिकॉज वही टाइटल वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर विल नहीं है तो वे का सवाल ही कहां आता है। आई होप जो मेरा आज का टाइटल था वो मैं आपको ठीक से समझा सका। थैंक यू। पेन नहीं है मिनी।